मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 15 मार्च 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 से गद्य भाग में से जो है छठा अध्याय, जिसका शीर्षक आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इसका आज हम रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं निदा फासली जी, जो आप उनका चित्र जो है देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि इस पाठ को इस प्रकार बढ़ता है कि पहले सुलेमान की करुणा जो चींटियों के प्रति किस प्रकार थी, इसका यहाँ पर दुख से दुखी होने वाले एक घटना को देखा, उपकथा को देखा। उसी प्रकार आगे एक सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाजी के आत्मकथा में पिताजी का एक किस्सा यहाँ पर बताया है। एक दिन वह कुएं से काम कर भोजन के लिए घर आए। भोजन करते समय उन्होंने भुजाओं पर एक चौंटा को रेंगते हुए देखा। तब वह खाने का निवाला छोड़कर खड़े होकर वह उस कुएं की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। इसीलिए वह कुएं के पास जाकर उसे फिर से वहाँ पर रख कर आते हैं। किस तरह छोटे प्राणी होते हुए भी महाकवि शेख अयाज के पिताजी ने उस छोटे जीव को भी महत्व देते हुए, करुणा करते हुए उसके ऊपर अपना खाने का, जो खाने आए थे भोजन को, वह छोड़कर वह कुएं के पास उसे छोड़कर आए। तो यहाँ पर दूसरों के दुख में यह दुखी या करुणा सहानुभूति है जो दिखाया जाता था। उसी प्रकार अगली एक उपकथा है जो मोहम्मद पैगंबर को अरब के लोग नूह के नाम से जानते थे। तब एक दिन जो कुत्ता घायल होकर उसके सामने से गुजर रहा था, तो उसे दुत्कारते हुए दूर हो जा गंदे कुत्ते कहते हुए उन्होंने उसे गंदे शब्द कहे। तो यह सुनकर, वह दुत्कार सुनकर कुत्ता उससे कहता है कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। ऐसे कहते हुए उसे जो उसके आँख पर जो धूल लगी हुई थी, धूल जो थी, उसे मिटाने की कोशिश जो कुत्ते के जरिए यहाँ पर हुआ है। तब इन बातों को सुनकर जो नूह है वह उसके दिल को छू गई और वह दुखी हो गया, और बहुत ही मुद्दत यानी अवधि उम्र तक वो जो है रोते रहे। और उसी प्रकार यहाँ पर महाभारत के युधिष्ठिर का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि युधिष्ठिर और कुत्ता जो है दो ही ऐसे लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, या एक कुत्ता और एक युधिष्ठिर, यही स्वर्ग तक जा सके हैं। भले ही उनके साथ पंच पांडव और द्रौपदी थी, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने वाले केवल दो ही थे, एक युधिष्ठिर और दूसरा कुत्ता। तो इस प्रकार जो है कहानी यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आगे हम इसके संबंधित आगे किस प्रकार जो है निदा फाजली ने बताया है, और थोड़े उपकथाओं को हम अभी देखेंगे। तो देखिए, प्रारंभ करेंगे। दुनिया कैसे वजूद में आई, यानी कैसे अस्तित्व में आई, इसका कैसे उत्पन्न हुआ, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, यानी कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, स्थल पॉइंट कहते हैं ना, कहाँ से हुआ, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। तो देखिए, आप विज्ञान के जाएंगे तो वह सटीक प्रयोग करते हुए कहते हैं, और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से, जो
अग्नि से आया है, शिव से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसे पौर धार्मिक ग्रंथ में कहा जाता है। विज्ञान अपनी तरह से जो है व्याख्या देती है। तो दुनिया कैसे वजूद में आई, यानी वजूद जो उर्दू शब्द है जो अस्तित्व में आई, संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। तो यहाँ पर पाठकों को संदेश दे रहे हैं कि पहले यहाँ पर दुख के दुखी होने वालों का सहानुभूति, करुणा के कुछ उपकथाएँ, कहानी यहाँ पर बताए हैं। यह जो दुनिया है एक की नहीं है, केवल हम ऐसे समझे हैं हमारे से सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे जीव की भी ये दुनिया है, धरती है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। देखिए, केवल हम ऐसे समझते हैं कि केवल मेरा है सब कुछ, सभी मेरे हुक्म को मानना है, ऐसे समझते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है, यानी सबको समान रूप से अधिकार है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। देखिए, लेकिन इन सब में जो होशियार मानव है, बुद्धिमानी जो है मानव कहलाता है, मानव जाति, तो ये अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, यानी बहुत सारे आविष्कार किया है, इसमें तोड़ मरोड़ किया है, ऐसे चित्र जो है इसमें दिख सकते हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। देखिए, पहले सभी एक जगह रहते थे, बड़े भाई हो, दादा दादी हो, परदादा हो, ऐसे पूरा जो परिवार एकत्रित रहता था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। देखिए, पहले सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब जो है उसमें जो है टुकड़ों में जीने की आदत हो गई है, यानी कम लोग। देखिए, आजकल तो पति पत्नी और बच्चे, इतना ही संसार को माना गया है। पहले परिवार जो होता था बहुत, यहाँ पर 20 से 30 लोग होते थे, लेकिन अब 2 या 3 लोग ही रहते हैं। पहले बड़े बड़े दलानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, दलानों यानी कॉरिडार कह सकते हैं, दलानों आंगनों में सब मिलकर रहते थे। कॉरिडार यानी कितने लोग एक जगह बैठेंगे, तो कुछ भी ऐसे जो है स्नैक्स हो, कुछ भी है, तो यहाँ पर बहुत सारा बनाना पड़ता था, सबके लिए चाहिए होता था। छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। देखिए, आपको यहाँ पर संदेश भी दे रहे हैं, पहले लोग मिलजुल कर रहते थे, सभी एकत्रित रहते थे, आजकल जो घर हैं वो छोटे छोटे डिब्बों की तरह हैं, उसमें ही सभी सिमटे हुए हैं, सिमट गए, यानी यहाँ पर जो इतना सिकुड़न हो गया है। आगे देखिए, दूसरे लाइन में, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। देखिए, बढ़ती आबादी, अभी धरती भी जो है मानव को कम लग रही है, इसीलिए समुद्र की ओर वह वहाँ पर रेत को या मिट्टी को डालकर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है, आगे चित्र के माध्यम से देखेंगे। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। देखिए, यहाँ पूरा जो है मानव के कृत्रिमता के वजह से, मानव के प्रदूषण के वजह से किस प्रकार धरती में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है विस्तृत बताया गया है, लेखक ने बताए हैं। रास्ते में हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को
यहाँ पर भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाशशील विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। देखिए मंगल ग्रह, चंद्रयान, ऐसे बहुत सारे जो यानों को छोड़कर यहाँ पर ओजोन जो ये है लेयर है उसे जो छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है, बेवक्त की बारिशें बरसातें होती हैं, जलजले यानि यहाँ पर भूकंप है, सैलाब यानि बाढ़ है, तूफान और नित नए रोग, जैसे रोग से याद आया, आप अभी देख सकते हैं मानव इतनी तरक्की की है कि चांद तक पहुंच गया है चंद्रयान के माध्यम से और मंगल ग्रह पर जाकर आए हैं, लेकिन जो आज के हालात हैं कोविड-19 जो वायरस है पूरे विश्व में फैला हुआ है, महातांडव उसका देख सकते हैं, लोग उससे उस वायरस से मर रहे हैं। देखिए इतने वैज्ञानिक रूप से तरक्की की है लेकिन इस छोटे से वायरस को जो फैलता जा रहा है एक दूसरे के अंदर, उसे रोकने की कोशिश जो है नहीं हो रही है, उसके लिए औषधे तैयार नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर समझिए मानव जो अति बुद्धि के वजह से, अतिशयोक्ति के वजह से आज मानव की जो अंश है वो मिटने की ओर बढ़ रहा है। तो यही रोग जो हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके खान पान में भी परिवर्तन आ गया है, मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। देखिए यही असंतुलन के वजह से लोग जो हैं उनका जीवन काल कम हो गया है और प्रदूषण फैल रहा है, लोगों में कोई आपसी बांधव नहीं है, दूसरों के प्रति सोचने के लिए भी वैसे वक्त नहीं है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, इसीलिए नेचर की एक यहाँ पर उसकी भी सहनशीलता होती है, वह देखता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए तो उसका भी सहनशीलता होती है। जब प्रकृति एक बार गुस्सा हो जाती है तो देखिए अतिशयोक्ति, बारिश होने से बाढ़ आ जाता है, बाढ़ में जो आप कमाए हुए पैसे, धन दौलत, इमारत, वह क्षणिक में वह नाश हो जाता है। भूकंप आने से इमारतें गिरती हैं, जान जाती है, तो आप प्रकृति को सहनशीलता को, उसकी सहनशीलता की सीमा को लांघने की कोशिश मत कीजिए। नेचर के गुस्से का एक नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए एक तो जो अतिशयोक्ति मानव जो है बुद्धिमानी पेड़ों को काट रहा है, देखिए पेड़ों से वर्षा होती है, छाया मिलती है, तो देखिए अपने रास्ते के लिए और घर बनाने के लिए यहाँ पर पेड़ों को काटता हुआ जो दृश्य है, काटे हुए दृश्य आप देख सकते हैं। उसी प्रकार मानव यहाँ पर काटता हुआ आप देख सक रहे हैं पेड़ों को। देखिए बेवक्त की बरसातें, गर्मी ज़्यादा होने के कारण और सैलाब जो है, बाढ़ जो है, इससे मानव को ही तकलीफ है। ज़्यादा जो बाढ़ आने के वजह से क्या हो जाता है, पानी का फैलाव ज़्यादा होता है और जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रहना था वे उनके घर में पानी घुसकर जो है, इस प्रकार पानी घुसने के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं अपने ज़रूरी चीज़ें लेकर छोटे छोटे बच्चों के साथ सुरक्षित जगह को जाने की यहाँ पर जो एक दृश्य आप देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि तो मानव इतना तरक्की की है कि लेकिन ऐसे प्रकृति की सहनशीलता को लांघना नहीं चाहिए,
इससे मानव को हानि हो जाती है। इस तरह आगे कवि लेखक जो हैं कहते हैं कि कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। तो इसी प्रकार एक घटना प्रकृति की जो सीमा को लांघने के बाद किस प्रकार होती है, उसकी सीमा जो टूट जाने के बाद किस प्रकार होती है, एक मुंबई की घटना यहाँ पर बता रहे हैं। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। देखो समुद्र यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से सी यानी समुद्र है, बिल्डर्स वहाँ पर उसे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ढकेलना यानी यहाँ पर वहाँ पर मिट्टी डालकर फिर से मजबूत ज़मीन बनाना, धरती बनाना। ऐसे बेचारे समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। देखो यहाँ पर जो है एक चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मैं, समंदर समझ लीजिए वो जो मैंने चित्र निकाला है सी। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, देखो यहाँ पर पहला फैल कर बैठा हुआ था वो आराम से स्वतंत्र रूप से, फिर खड़ा हो गया वो। देखिए पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा समेट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े हो रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। देखिए आगे कहते हैं आता है, देखिए पहले वो सिकड़न यहाँ पर जो है अकड़ू बैठा हुआ है दूसरे चित्र में, यहाँ पर पहला चित्र में आप देख रहे हैं। जब उसकी जो कम होती गई उसका जो जगह, तो वह गुस्सा हो गया लोगों के ऊपर जो है, गुस्सा हो गया जो दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं। आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। देखो इसी के वजह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार क्या हो गया, जो समुद्र जो है सीमा को उसकी सीमा टूट जाने पर वह 3 जहाज़ों को गेंद की तरह, यानी जो आप खेलते हैं बच्चे खेलते हैं उसे गेंद की तरह उसे फेंक दिया, आकर गिरा। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टन रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो इस प्रकार समुद्र की जो सहनशीलता का सीमा टूटने के बाद, इस प्रकार जो है मानव क्या कर रहा है, समुद्र को भी सिकुड़न में लाने की कोशिश कर रहा है। वो विशाल रूप है, वहाँ भी जमीन धरती बनाकर लोगों की बस्तियाँ बनाना चाहता है। उससे नाराज़ होकर समुद्र जो है 3 जहाज़ों को वह गेंद की तरह फेंक दिया। इस तरह प्रकृति विकोप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर संदेश भी दिया है कि दुनिया जो है प्रकृति की सहन शक्ति को, सीमा को लांघना नहीं है। इस प्रकार आज हमने जो है प्रदूषण के बारे में देखा, जो यहाँ पर लेखक आपके सम्मुख रख रहे हैं चित्र के माध्यम से देखा। तो अगले वीडियो में हम इसका जो आगे किस तरह उपकथाएँ आती हैं, फिर से जो दुख में दुखी होने वाले लोगों की, तो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।